हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी स्कूल पर, जहां हमने एक नया श्रृंखला स्टार्ट किया है, एक अलग नज़रिया। और इसके तहत मैंने सबसे पहला आपको वीडियो बना के दिया, वो है महात्मा गांधी पर। और आज 2 अक्टूबर है, तो उनकी जयंती पर ये एक अलग नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है आज के समाज के लिए। और दूसरा जो हम लोग वीडियो आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो है लाल बहादुर शास्त्री का, जो बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं गांधी जी के, और उनका भी जन्मदिन उनके भाग्य से 2 अक्टूबर को ही है। और इनको भी हम लोग बहुत ही बड़े नेता के रूप में, बहुत ही बड़े राजनेताज्ञ और बहुत ही बड़े निडर नेता के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनको दो लाइन में अगर हम लोग जब इनको वर्णन करना होता है इनकी पर्सनालिटी का, तो दो लाइन में हम लोग वर्णन कर देते हैं कि जय जवान जय किसान इनका नारा, और दूसरा ताशकंद समझौता, और उसके बाद इनकी मृत्यु के रूप में। लेकिन इसका इनकी एक अलग पहलू है, इनके जीवन का एक अलग पहलू है, और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा कि इनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े नेताओं से हमने सीखा है, गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह से हम लोग जैसे सीखते हैं, वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री भी एक बहुत बड़े नेता थे। तो इन्होंने क्या क्या भूमिकाएं निभाई, उससे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन दे दें। तो इनका इंट्रोडक्शन, जो बचपन में इनका जन्म जो हुआ है, वो 1904 में हुआ है मुगल सराय में, और इनके पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और इनकी माता का नाम राजदुलारी देवी। तो इनका जो जन्म हुआ एक शिक्षित परिवार में हुआ, क्योंकि पिताजी भी शुरू में एक शिक्षक ही थे, बाद में जाके क्लर्क का जॉब मिला उन्हें, और माता जी भी एक प्रिंसिपल थी, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के पद पर थी। तो एक शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो जो माहौल था जिनका इनका जन्म हुआ था, उसका प्रभाव इन पर पड़ता रहा, शुरू से ही पड़ता रहा। और धीरे धीरे हम लोग जब इनके जीवन काल में देखते हैं, इनकी पढ़ाई होती गई, उसके बाद जब ये कॉलेज में रहते हैं, तभी 1920 में एक आह्वान होता है असहयोग आंदोलन का गांधी जी के द्वारा, और उसमें ये कूद पड़ते हैं। उसमें गांधी जी के द्वारा आह्वान होता है कि जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वकील हैं, सारे लोग अपना अपना जो है पद, अपनी अपनी चीज़ें छोड़कर और इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएं, ताकि हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल सके। तो सबसे पहले मैंने जो बताया कि ये बहुत बड़े फॉलोअर थे, एक जो जोड़ी कहलाता है राम और हनुमान का, उसी तरह से बिल्कुल गांधी जी को ये फॉलो करते थे। क्योंकि 1914 में जब गांधी जी का प्रवेश होता है भारत में, और 1916 से जब सक्रिय होते हैं, तब से गांधी का प्रभाव पूरे भारत में होता है। और उसी ज़माने के ये एक यूथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनका गहरा प्रभाव पड़ता है उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उसके साथ साथ एनी बेसेंट को भी इन्होंने बहुत ही फॉलो किया, और उनकी चीज़ों को, तो उनके विचारों को। इसके साथ साथ जब 1920 में जब ये कूद पड़े इन सब चीज़ों में, और 1922 में जाके जब आंदोलन बंद करना पड़ा चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, इसके बाद इनकी पढ़ाई रुक गई थी। लेकिन इनकी पढ़ाई हमारे जो नेता थे, चाहे मतलब कि जो देशभक्त थे उस समय, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इनकी पढ़ाई पूरी करवाई। और पढ़ाई पूरी करवा के उसके बाद एक दल का गठन किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा, उसमें एक मंडल के रूप में, उसमें ये अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं कुछ समय तक। उसके बाद इनका जो कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उनका दो से 2.5 साल तक का जेल भी होता है। इसके अलावा इनका योगदान बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के रूप में बहुत अग्रणी तो नहीं रहते हैं, लेकिन इनका योगदान हमेशा से रहता है। इसी का ये नतीजा रहता है कि इनका जो जीवनी है, आगे जाके आप देखेंगे इनका जो सफ़र है, ये पहुँच जाता है कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू का जो पहली कैबिनेट बनती है, पहली कैबिनेट जो बैठक होती है, उसमें जो मंत्री बनते हैं, उसमें इनका जो पद होता है रेलवे मंत्री का होता है। रेलवे मंत्री के साथ साथ इन्होंने होम मिनिस्ट्री भी संभाली कुछ समय तक, और कुछ समय तक और भी सारे मिनिस्ट्रीज संभाले। तो इस प्रकार इनका सफ़र एक तरह से देखें तो यहाँ तक रहता है। लेकिन इसके बाद जो मैं बात करूँगा एक अलग शास्त्री की, वो होगा शास्त्री का भारत और अग्रणी, वो भी अग्रणी और निडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हम लोग नहीं जानते, जो ये बैकग्राउंड का है, कि जो भारत उस समय था, जो उस समय भारत आज़ाद हुआ था 1955-56 के करीब, मतलब कि 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1955 और 56 के करीब जो हालात थे, वो उस समय ऐसे थे कि अकाल भी पड़ रहा था, भारत में अकाल भी पड़ने लगा था, और सारी चीज़ें जो उत्पादन क्षमता थी हमारी कम थी, फिर से हम लोग किसी भी चीज़ में, किसी भी उत्पादकता में हम लोग आगे नहीं थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का एक अलग नज़रिया भारत के प्रति,
इस नज़रिए को रखना बहुत ज़रूरी है लाल बहादुर शास्त्री के प्रति। सिर्फ और सिर्फ जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान कहने से नहीं होता है कि जो श्वेत क्रांति जो आती है, दूध के क्षेत्र में जो क्रांति आती है, जो अमूल आज हम लोग प्रोडक्ट जो हम लोग देखते हैं, ये देन है। ये एक फेडरेशन, एक दूध का फेडरेशन भी देखते हैं हम लोग, वो सब सारा चीज़ जो है लाल बहादुर शास्त्री की देन है, उनकी सोच की देन है। और उसके अलावा जो हम लोग उत्पादकता के क्षेत्र में हरित क्रांति को देख पाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियाँ आती हैं उस समय और हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र बहुत ज़्यादा इससे लाभ कमाते हैं, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं और भारत को अग्रणी एक बनाने का जो काम करते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री करते हैं। तो 1904 में जन्मे और 50 साल में इन्होंने यहाँ तक प्राप्त कर लिया कि इनकी एक नई सोच बनी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत को अग्रणी मतलब कि इन सब चीज़ों में, क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रखने का बहुत बड़ा काम लाल बहादुर शास्त्री ने किया है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो विदेश स्तर पे है, जो हम लोग प्रभाव देखते हैं कि उस समय 1962 में हम लोग हार चुके थे एक युद्ध, भारत चाइना युद्ध हुआ था और चाइना ने भारत को हरा दिया था बहुत बुरी तरह से। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1965 में युद्ध होती है 2 साल बाद, और जो पाकिस्तान सेना घुस आती है पूंछ सेक्टर से, मतलब कि वहाँ से पूंछ सेक्टर से घुस आती है अंदर तक और हमला करती है भारत पे, भारत के अंदर तक आ जाती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है। उसके बाद एक निडर भारत का जो नींव रखते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री ही रखते हैं, एक अलग सोच के साथ। ये पूरी तरह से ऑर्डर देते हैं सेना को कि आप अंदर जाइए, आप सीज फायर उल्लंघन कीजिए और पाकिस्तान पे अटैक कीजिए। और ये पाकिस्तान पे अटैक होता है 1965 में और हम लोग देखते हैं लाहौर तक हम लोग चढ़ाई करते हैं। तो ये है निडर भारत लाल बहादुर शास्त्री के अकॉर्डिंग, और लाल बहादुर शास्त्री ने ही इसका मतलब कि ये किया, नेतृत्व किया। तभी आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, या पाकिस्तान के साथ, या नेपाल के साथ, या बांग्लादेश के साथ, किसी के साथ हम लोग झुकते नहीं हैं बल्कि उसका सामना करते हैं। उसके अलावा यही चीज़ कि हम लोग क्या सीख ले सकते हैं, सीख यही ले सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने को मतलब कि जब देश ने बुलाया इनको, जब राष्ट्रीयता की भावना इस तरह इनमें थी कि जब देश ने इनको आह्वान किया, जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया, इन्होंने कॉलेज और पढ़ाई नहीं देखी, वो उन्होंने कॉलेज के लिए अपने देश के लिए कॉलेज तक की छोड़ दिया, अपने पढ़ाई तक की कुर्बानी दे दी। तो ये कुर्बानी का जो भावना है, बलिदान की जो भावना है, सेक्रीफाइस का भावना है, ये इनसे सीखने को मिलती है। उसके अलावा जो इनकी पंक्चुअलिटी थी, समय की मतलब कि जो महत्ता देते, समय को बलवान समझते थे और समय को मूल्यवान समझते थे, ये बहुत ही बड़ी सीख है जो हम लोग सीख सकते हैं इनसे। उसके अलावा निडर भाव, उसके अलावा साधारण व्यक्तित्व, उसके अलावा जो आज हम भारत को देखते हैं, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, जो कि आज किसी के भी आँख दिखाने से डरता नहीं है। 1962 में हम लोग हार चुके थे, उसके बाद भी 1965 में इन्होंने उस दमखम को बनाया और ताशकंद समझौता के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस चीज़ को बखूबी इन्होंने रखा हमारे नए भारत में, तो एक नए भारत का निर्माण यहाँ से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है बहुत बड़ा योगदान हमारे यहाँ है। तो इस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा ये दूसरा वीडियो जो कि लाल बहादुर शास्त्री पर था, और हमने इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि उनका जीवन जो है एक प्रेरणा स्रोत है, लाल बहादुर शास्त्री का भी एक बहुत बड़े नेता हैं ये, और एक बहुत बड़े अग्रणी रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इस प्रकार हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।